डियर चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 16 अपना जो न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अ बिजी मंथ. ओके, इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स, उनके नेस्ट, उनकी बीक, उनके फीट, उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, रीड करेंगे. तो ये जो एक लेटर है, ये चैप्टर जो है एक लेटर में है, और ये जो लेटर लिखा है गीजू भाई ने. ओके, कोई गीजू भाई हैं, उन्होंने ये लेटर लिखा हुआ है. और ये गीजू भाई कहाँ से लिख रहे हैं लेटर? भावनगर, 13 अप्रैल को 1936 में. बहुत ही पुरानी लेटर है, ठीक है. अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021. और ये कौन से ईयर का है? 1936 का. ओके, तो मैं रीड करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी. डियर चिल्ड्रन, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून. देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई. द सन इज़ बर्निंग हॉट. तो वो लेटर जब लिखते हैं, 3 o'clock टाइम होता है आफ्टरनून का, और वो बताते हैं कि स्काई एकदम क्लियर है और जो सन है वो पूरा गर्म हो चुका है, बर्न कर रहा है. द स्पैरोज, डोव्स एंड सन बर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट. जो स्पैरोज हैं, डोव्स हैं, सन बर्ड्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या कर रहे हैं? एक साथ मिलके अपना घोंसला बनाने की तैयारी कर रहे हैं. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. इन सम ऑफ द नेस्ट द एग हैव हैच. कुछ नेस्ट तो रेडी हो चुके हैं और कुछ नेस्ट में तो अंडे भी आ गए हैं. द पेरेंट्स बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट एंड अदर थिंग्स. जो पेरेंट बर्ड्स है, यानी जो बर्ड्स छोटे छोटे हैं, उनकी जो मदर हैं, जो फादर हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? बिजी हैं. किस में बिजी हैं? वो बच्चों के लिए, अपने बर्ड्स जो बच्चे हैं, बेबी बर्ड्स के लिए खाना लाने में. इन आवर कोर्टयार्ड ऑल्सो देर इज अ बेबी डव. ठीक है, गीजू भाई बताते हैं कि हमारे कोर्टयार्ड में एक बेबी डव है, छोटा सा बेबी है डव का. देर इज अनादर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच येट. और वो बताते हैं कि एक और अंडा है नेस्ट में, बट वो अभी फूटा नहीं है. ऑन द वे टू गोपाल भाई हाउस देर आर मैनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड्स. अब जब गोपाल भाई के जब वो घर जाते हैं, तो उस रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं. इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स अन इंडियन रॉबिन हैज़ लेट इट्स एग. तो रॉबिन बर्ड जो है उसने क्या किया है, इन छोटे छोटे स्टोन्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे छोटे अंडे दिए हैं. बच्चू भाई शोड इट टू मी. बच्चू भाई जो उनका फ्रेंड है, उन्होंने गीजू भाई को दिखाया. आई लुक थ्रू द बाइनाकुलर्स. मैंने उसे बाइनाकुलर से देखा, उन छोटे छोटे अंडों को कैसे देखा? बाइनाकुलर से. बाइनाकुलर क्या होते? दूरबीन होती है, ठीक है. आई सो डैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास. वो जो नेस्ट है वो किससे बना था? ग्रास से बना था. ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल. ठीक है, जो नेस्ट है वो किस किन 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 चीज़ों से बना है? ट्विग्स यानी पेड़ों की छोटी छोटी पतली टहनियाँ जो होती हैं, ठीक है, पत्तों की, उससे, रूट से, ऊन से, बालों से, कॉटन के छोटे छोटे कपड़ों से. दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट. तो वो देखता है कि किस तरीके से रॉबिन बर्ड जो है उसने अपना नेस्ट बनाया है. व्हाट अ सॉफ्ट एंड कॉजी होम फॉर इट्स चिक्स. तो वो बोलता है कि इसने कितना सॉफ्ट और कॉजी, एकदम गरम सा घर बनाया अपने बच्चे के लिए. द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो. जो रॉबिन है वो क्रो की तरह नहीं है. पिक्चर में देखिए, इंडियन रॉबिन जो बर्ड है और क्रो जो है बहुत ही डिफरेंट है. दोनों का कलर सेम है पर वो दोनों डिफरेंट है. अ क्रोज नेस्ट इज़ मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, इवन पीसीस ऑफ वायर एंड वुड. तो जो क्रो का नेस्ट है वो हर तरीके के चीज़ों से बनता है. आयरन से भी बन जाता है, वायर से, वुड के भी पीसेस से. ओके, इवन वायर, आयरन वायर नहीं, वायर से और वुड्स के पीसेस से. आई सो अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट. तो मैंने बेबी बर्ड को देखा रॉबिन के नेस्ट में, ठीक है. इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन. तो बताता है कि जो बेबी बर्ड है उसका जो बीक है वो क्या है, थोड़ा सा खुला है. द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड. और जो अंदर उसका
माउथ है, जो मुंह है वो क्या है, रेड कलर का है. इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड बर्ड एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक. और थोड़ी ही देर में रॉबिन क्या करता है, उड़कर आता है और जो बेबी बर्ड का माउथ ओपन है उसमें कुछ डालता है खाने के लिए, मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट, मे बी वो इंसेक्ट देता है बेबी बर्ड के माउथ में. बाय देन इट वॉज इवनिंग, अब शाम हो गई. द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक, और रॉबिन अब क्या अपने बच्चे के साथ उस नेस्ट में रहता है. तो चिल्ड्रन, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. ओके, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे. थैंक यू.